अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर दी पोलर कंपाउंड्स एंड व्हाट आर दी नॉन पोलर कंपाउंड्स। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, वेल पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली डिसॉल्व इन वाटर। तो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व नहीं होंगे, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसी तरीके से जो नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, जबकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स एक्वस कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कि जब वो एक्वस कंडीशन में है तो वहाँ पर आइंस की फॉर्मेशन होगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे कि पेट्रोल, बेंजीन एक्सेट्रा। इसी तरीके से जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स की, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथीन। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।